हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास सिक्स साइंस उसका चैप्टर यहाँ पे 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिस एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो अगर ज़्यादा एनर्जी की बात करें, जैसे कि अपने घर पे हम बात करते हैं, तो वो कहाँ से आती है, तो पावर हाउस होता है, ठीक है, वहाँ से आती है। कोई थिएटर हम देखते हैं तो वहाँ पे डोमेस्टिक जनरेटर होते हैं, वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम वॉच की बात करते हैं, जो वॉल क्लॉक रहती है, तो उसमें एनर्जी हम बैटरी डालते हैं। ट्रक जो होता है तो उसके अंदर ड्राई सेल होता है, ड्राई बैटरीज होती है। तो एक्टिवा आजकल, यानी कि फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, उसमें ड्राई बैटरीज देखने को मिलती है। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिलता है वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब कि वो आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें पता है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वन टर्मिनल ऑफ सेल से पॉजिटिव थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द अनदर टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम देखने को मिलता है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का जो है यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलता है। बीच में हम एक बल्ब या तो स्विच लगाते हैं। ऐसी सिंपल सी एक डायग्राम एक जो रहता है, जिसको हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो अनब्रोकन पाथ ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ क्लोज सर्किट। जहाँ पे करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पहुँच जाता है और एक लूप बनाता है, उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। फिर यहाँ पे अगली स्लाइड में आ रहा है ओपन सर्किट। अनब्रोकन पाथ इज नोन एज ए ओपन सर्किट। मानो कि अब कहीं पे करंट जो है वो एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जो है वो पहुंच तो पा रहा है, लेकिन वो लूप नहीं बना रहा है, तो उसको हम ओपन सर्किट कह सकते हैं। कहीं पे पाथ हो टूटा हुआ रहता है। हम देखते हैं कहीं पे जब नवरात्रि का टाइम होता है तो सब लोग जो है अलग अलग टाइप की जो यहाँ पे लाइट्स रोशनी के लिए लगाते हैं, तो उसमें कोई कोई लाइट बीच में टूट जाती है, मतलब वो चलती नहीं है। बाकी सब रोशनी करने वाली छोटी छोटी जो लाइट्स होती है सीरीज़ की, वो चलती रहती है। तो बीच में ऐसा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वो लाइट है वो फ्यूज़ हो चुकी है, कोई किसी ने उसको बिगाड़ दिया है, तो वो सर्किट वहाँ पे ओपन सर्किट कह सकते हैं। सर्किट का डायग्राम, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो एक हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक मतलब सर्किट डायग्राम क्या है। तो सर्किट डायग्राम मतलब कि एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कंबाइन करके एक साथ लगाते हैं और उसका एक ड्राइंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। अगर हम फिजिकली बात करते हैं तो हमें लैब में ये सभी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें उसको फिजिकली उसमें प्रैक्टिकल के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा और हम सर्किट जो है अपने हाथों से बना सकते हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट हमें 12th में कराए जाएंगे, अभी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सर्किट के बारे में बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी किस डायग्राम में किस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसी के बारे में समझेंगे। अब अगली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स के बारे में। तो वायर्स क्या करते हैं, हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। ये हमें करंट फ्लो करवाने में, करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। मेटेलिक वायर जो रहता है उसमें वो किस एलिमेंट से बना होता है, तो उसके हम बात करते हैं। सबसे अच्छा एलिमेंट होता है कॉपर, ठीक है। बाकी वो सोल्डरिंग करने में टिन और लेड जैसी मेटल्स इस्तेमाल होती है। चाइनीज़ वायर भी मार्केट में अवेलेबल होता है जो सस्ता होता है, लेकिन उसको लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो जल्दी से बिगड़ जाता है। इसलिए बेटर एडवाइस यही दी जाती है कि सबसे ज़्यादा हम कॉपर का वायर इस्तेमाल करें। बल्ब लाइट अप व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। बल्ब जो रहता है वो क्या रहता है कि जब भी उसमें से करंट पास होता है तब उसमें वो बल्ब वो ग्लो करता है, उसमें से रोशनी निकलती है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट रहता है जो उसके टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। बल्ब यहाँ पे तभी ग्लो करेगा जब उसमें से करंट पास होगा, ठीक है। वो किससे बना हुआ होता है वो बात हमें याद रखनी है। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टाइनी कॉल्ड टंगस्टन वायर। मतलब वो टंगस्टन वायर से बना होता है। क्यों टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो मेटल है ना उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वो 3000 केल्विन तक
कि उससे ज़्यादा केल्विन तक की जो टेम्परेचर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब कि बल्ब जो है वो यहाँ पे टूटेगा नहीं और उसमें कोई ब्लास्ट नहीं होगा अप टू 3000 केल्विन जितना टेम्परेचर हो जाएगा तब तक, इसलिए उसमें टंगस्टन वायर जो है उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे बैटरी। बैटरी क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है जिसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। एक अकेला सेल जो होता है उसमें कम वोल्टेज होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल को अगर कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो हमें बहुत सारे वोल्टेज एक साथ मिल सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले एलिमेंट्स के फॉर्म में स्विच का। स्विच जो है एक सिंपल डिवाइस रहती है जो सर्किट को ब्रेक, मतलब कि कहीं पे पावर को कट करना है तो उसके फॉर्म में काम आती है, कहीं पे पावर को स्टार्ट करना है उसके फॉर्म में काम आती है। हम देखते हैं फैन को चालू करने के लिए घर में कोई, अगर हम चार्जर भी लगाते हैं उसको चालू करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्विच इस तरह से एक गैप का काम करती है जिसमें करंट को फ्लो नहीं करवाना है, करंट को स्टॉप करना है, तो उसके द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं। व्हेन स्विच इज इन ऑन अ गैप इन द सर्किट इज ब्रिज बाय द कनेक्टिंग मटेरियल थ्रू विच करंट फ्लो। तो इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जब स्विच ऑन होगी तब, और जब करंट जो है पास नहीं होगा जब स्विच ओपन होगी तब। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल। तो ये जो सेल होता है उसके टू टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक सेल के इनसाइड जो होता है उसमें करंट यानी कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब अंदर के साइड में चार्ज हमेशा उल्टा फ्लो करता है। जब भी हम सेल जो होता है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, कनेक्टिंग वायर्स बल्ब स्विच एंड इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज्ड इन टॉर्च बैटरी एलईडी एंड एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब कि एलईडी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर जगह पे जो है ऐसे सेल इस्तेमाल होते हैं जिससे हम कोई भी बैटरी है उसके उसको बना पाए, या तो फिर एलईडी है लाइट एमिटिंग डायोड उसको चालू करना है तब भी ये इलेक्ट्रिक सेल इस्तेमाल होता है। वायर जो है वो सबको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्विच जो है वो सर्किट को करंट फ्लो करवाना है या नहीं करवाना है उसको डिसाइड करने के लिए स्विच का इस्तेमाल होता है। अभी तो MCB भी आ चुकी है, मिनी एचएस सर्किट ब्रेकर। ऐसी सर्किट में मतलब अपने घर पे भी MCB लगाई हुई होती है जिससे क्या होगा कि पूरे घर में कोई डैमेज होगा नहीं। अब अगली स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो मटेरियल जो है उसमें मटेरियल जो है तीन टाइप के रहेंगे, या तो कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, या तो सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर मतलब क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें करंट के बारे में तो पता ही था कि जो कंडक्टर जो है वो क्या करता है, तो करंट को कैरी करता है। मटेरियल दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं वही करंट को अलाउ करते हैं कि वो उसमें से ही करंट पास हो सकता है। नॉन मेटल्स जैसे कि फॉस्फोरस होता है वो अलाउ नहीं करता है, उसमें से करंट पास होता नहीं है। सभी मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कार्बन इज ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि वो नॉन मेटल, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका नाम हमें याद रखना है, वो कौन है, कार्बन है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो यहाँ पे सीधी बात है कि जो मटेरियल करंट को फ्लो करने के लिए मना कर देगा वहाँ से करंट पास होगा नहीं, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। एग्जांपल हम याद रखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, पॉलीथीन, PVC, ये सभी इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैन गिव अस मैग्नेटिज्म, मतलब कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी तो है ही, जब भी वो पास होती है तब उसके आसपास मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल में स्टडी जो है हम 12th में 11th में करने वाले हैं, अभी इतना कोई डिटेल में है नहीं। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब कौन कौन सी इफेक्ट देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट, वायर गर्म होते हैं, लाइट इफेक्ट, उसके बाद करंट जो है वो किसके लिए पास करवाए जाते हैं, लाइट के लिए। हर जगह पे लाइट्स जो है उसमें अपने आप रोशनी बाहर निकलती है तो उसका लाइटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट, जब करंट लगता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इंसान को अपने साइड अट्रैक्ट करके उसको फिर से बहुत दूर धकेल देता है, जब बहुत बड़ा झटका लगता है तब। तो ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलती है जब करंट सर्किट में से पास होता है तब। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता ही देता हूँ एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस जो है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम स्विच बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल होते हैं, हमें यहाँ पे लिख देने हैं।
क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आंसर देना है। तो पहला जो है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मतलब कि मेटल के अंदर फ्लो करता है, तो ये सही होगा। मेटल वायर की जगह हम जूट वायर जूट स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सीधी बात है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थर्मोकोल की शीट में से पास नहीं होता है, मतलब ये भी फॉल्स होगा। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था कि बल्ब यहाँ पे क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, आप इसको डायग्राम देख के बताइए। तो सीधी बात है, बीच में यहाँ पे टेस्टर जो है उसको ज्वाइन कर दिया है, तो टेस्टर का एक साइड का एंड नो डाउट मेटल का होता है, लेकिन दूसरा एंड प्लास्टिक का होने की वजह से प्लास्टिक में से करंट पास होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन फोर में ये बताना है कि कहाँ पे जॉइंट से वो यहाँ पे एंड में वो टूटा हुआ है, मतलब ओपन है, जिससे वो सर्किट जो है पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही और उसमें बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा है। तो हम इसका आंसर ही भी हम देंगे। आंसर में हमें बस ऐसी सर्किट बना देनी है जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है। हमें यहाँ पे एक टर्मिनल में जो एंड यहाँ पे वायर का टूटा हुआ था, उस वायर को हमें सेल के साथ जॉइंट करके बता देना है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच का इस्तेमाल हम सर्किट के अंदर क्यों करते हैं। नेम द सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ऐसे गैजेट्स के नाम देने हैं जिसको यूज़ हम क्या करेंगे कि जिसके अंदर स्विच हम बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो स्विच का हमें पता है कि स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए, तो सर्किट को कम्प्लीट करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। करंट फ्लो करने के लिए भी हम सर्किट के अंदर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के नाम बताते हैं जिसके अंदर हम स्विच को बिल्ड कर सकते हैं, वो है माइक्रोवेव, फ्रिज, राइस कुकर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर जो है उसका यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। दूसरे आप नाम भी लिख सकते हो अगर आपको याद है तो, लेकिन ये नाम मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि बल्ब अगर ग्लो होगा, अगर वहाँ पे सेफ्टी पिन की जगह क्वेश्चन 4 में अगर इरेजर का इस्तेमाल करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि इरेजर एक इंसुलेटर है जिसमें से करंट फ्लो होता नहीं है। फिर क्वेश्चन 7 जो है, यहाँ पे एक सर्किट बताई गई है और उसमें पूछा गया है कि क्या इस सर्किट में बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा, उसका रीज़न यही है कि जो वायर्स जो है बल्ब में से निकल रहे हैं वो यहाँ पे जो बैटरी है उसके अलग अलग मतलब कि बैटरी में से जो वायर जो निकल रहे हैं वो यहाँ पे बल्ब के एक ही टर्मिनल में अटैच हो रहे हैं। अगर ये दोनों वायर बल्ब के अलग अलग टर्मिनल में मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अटैच हो गए, ज्वाइन हो गए, तभी बल्ब ग्लो होगा। क्वेश्चन 8 में यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम टेस्टर का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो आंसर उसका आएगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंडक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उस तभी पास हो सकती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंडक्टर होगा और बल्ब तभी ग्लो हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। जब भी अपने घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो अपने हाथ में रबर ग्लोव्स पहनता है जब भी वो कोई रिपेयरिंग का काम करता है, सर्विसिंग का काम करता है, तो ऐसा क्यों वो करता है। तो हम उसका आंसर देंगे कि रबर ग्लोव्स जो है वो एक इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिशियन उसको पहनकर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है, इसलिए वो क्या करता है रबर ग्लोव्स पहन लेता है जब भी वो कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच के साथ रिपेयरिंग का काम करेगा तब। अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, जो हैंडल्स होते हैं टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर्स है, तो उसके इलेक्ट्रिशियन जब रिपेयर करते हैं तो उसके हैंडल मोस्टली हमें प्लास्टिक के दिखाई देते हैं या तो रबर के दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हमें आंसर देना है कि जो प्लास्टिक और रबर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से करंट पास होता नहीं है, ठीक है, तो वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, इसलिए वो उसके हैंडल जो है वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं या तो रबर के बनाए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।